यस फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है बच्चों के दांतों के बारे में। बच्चों के दांत जब आते हैं, जब बच्चों के दांत निकलते हैं, तो उन टाइम पे क्या लक्षण, क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं, बच्चों के दांत आने के टाइम पे क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स होती है, और इन सारे प्रॉब्लम्स के क्या सोल्यूशन, क्या समाधान है, तो बात करेंगे ये सब कुछ और बहुत कुछ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलो करते हैं नई शुरुआत। यस फ्रेंड्स, तो बच्चों में दांत आने की शुरुआत 6 महीने से लेके 8 महीने के बीच में होती है। इसमें 1-2 महीना आगे पीछे हो सकता है, वो नॉर्मल है, लेकिन बच्चों में नॉर्मली 6 महीने के बाद उनका पहला जो दांत है, जो हम दूध के दांत या तो मिल्क टीथ, या तो डॉक्टर्स की हमारी भाषा में बोले तो उनको डेसिड्यूस टीथ भी कहा जाता है, तो सबसे पहला दूध का दांत है वो 6 महीने की एज में आता है। और जब आता है तो कुछ इस प्रकार से दूध के दांत हमको देखने को मिलते हैं। उसमें नीचे का दांत है वो पहले आता है। तो ये टाइम पे कुछ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको नॉर्मली दांत आ जाते हैं और पता भी नहीं चलता, लेकिन 90% केसों में जब ये दांत आते हैं, जो इसको प्रोसेस को हम बेबी टीथिंग भी बोलते हैं, तब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स या तो सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो जब बच्चों में टीथिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो शुरू शुरू में मसूड़ों में सूजन आना वो सबसे कॉमन एक प्रॉब्लम पाया जाता है, और उसके साथ रेडनेस भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो मसूड़ों में सूजन और रेडनेस की वजह से बच्चे थोड़े इरिटेबल हो जाते हैं, थोड़े रोने की फ्रीक्वेंसी, बच्चे रोते रहते, रोने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ज़्यादा मात्रा में सलाइवा, यानी कि अपनी जो लाड़ रहती है वो ज़्यादा मात्रा में निकलती है, जिसको हम ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा बोलते हैं। तो ज़्यादा लाड़ का आना एक टीथिंग का एक लक्षण है, बच्चों के नए दांत जो आते हैं उसका एक लक्षण है। मसूड़ों में सूजन रहती है, उससे काफ़ी कंडीशन कभी कभी पेनफुल होती है, मसूड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ साथ कभी कभी लो ग्रेड फीवर, यानी कि हल्का बुखार भी रह सकता है। और काफ़ी गैरमान्यता यह है कि जब बच्चों में दांत आने की प्रोसेस होती है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा बुखार या तो लूज मोशंस, यानी कि डायरिया वगैरह होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। लूज मोशंस होने का टीथिंग की प्रोसेस से एग्जैक्ट साइंटिफिकली लेना देना नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब बच्चों में जो नए दांत निकलने का स्टार्ट होता है तो बच्चे कुछ भी चीज़ें अपने मुंह में डालना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसके आसपास का अगर जो एनवायरमेंट है वो काफ़ी साफ सुथरा नहीं है, या तो कुछ भी गंदी चीज़ अगर वो मुँह में डाल देते हैं तो उसके हिसाब से जम से वो बच्चों के मुँह के अंदर से पेट में जाते, और उसके बाद उसके रीज़न से पेट में डिस्कम्फर्ट, यानी कि पेट की प्रॉब्लम, या तो फिर डायरिया वगैरह होता है। तो इसका टीथिंग की प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन डायरिया अगर कुछ भी गंदी चीज़ें अगर बच्चे मुंह में डालते हैं तो उससे होता है। तो एक ये भी लक्षण है कि बच्चे कुछ भी मुंह में डालना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका भी एक लक्षण है कि बच्चों को नए दांत आते हैं। अब नए दांत आने की प्रोसेस नॉर्मली 10-14 डेज तक रहती है, जिसमें पहले 5-7 दिन जैसे मैंने बताया कि रेडनेस और मसूड़ों में सूजन पाई जाती है, बाद में 6-8 दिन के बीच में एक व्हाइट लाइन टाइप का अपीयर होता है मुंह के अंदर, जो दर्शाता है कि बच्चों के दांत की जो पहली सरफेस है वो बाहर आ रही है। और जनरली 14 डेज तक बच्चों के दांत आने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। पहले जैसे मैंने बताया नीचे के दांत आते हैं, और उसके बाद ऊपर के आगे के 2 दांत है वो आते हैं। अब बात ये करेंगे कि अगर बच्चों में ये टीथिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या है, उसका होम रेमेडीज, उसका घरेलू समाधान क्या हो सकता है। अब बात करते हैं होम रेमेडीज, यानी कि घरेलू उपचार के बारे में। अगर किसी बच्चे को टीथिंग, यानी कि 6 महीने बाद दांत आने के टाइम पे कोई भी परेशानी होती है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हमारा ये रहता है कि हम क्लीन फिंगर, यानी कि अपने जो पेरेंट्स है वो अपने हाथों को अच्छे से कोई भी डिसइंफेक्टेंट से साफ करके, अच्छे से क्लीन करके, हमारे फिंगर से ही हम मसूड़ों के ऊपर मसाज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कारगर तरीका माना जाता है, क्योंकि जब मसूड़ों में सूजन और दांत आने के टाइम पे जो लक्षण रहते हैं, अगर उसमें से हम क्लीन फिंगर से मसाज करते हैं तो काफी रिलैक्स होते हैं, और मसूड़ों में सूजन कम भी हो सकती है और बच्चों को आराम मिलता है। उसके साथ साथ दूसरा नुस्खा हम ये सजेस्ट करते हैं कि कोई भी क्लीन टॉवेल या तो रुमाल से उसको ठंडा करके, मतलब ठंडे पानी में भिगो के, कोई भी अच्छे कपड़े या तो क्लीन टॉवेल से जिसको ठंडा करके, चिल्ड टॉवेल से आप वही सेम चीज मसाज कर सकते हो। जहां पे भी दांत आ रहे हैं और मसूड़ों में सूजन है, वहां पे ठंडे टॉवेल से अगर आप मसाज करते हो तो उसका भी एक सूदिंग और कंफर्टेबल इफेक्ट रहता है। हम काफी लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जब बड़ों में दांत निकालते हैं तो उसके बाद बर्फ से सिकाई करने के लिए, कोल्ड मसाज के लिए बोलते हैं, कुछ भी ठंडी चीजें, आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए बोलते हैं, तो उसमें भी एडवांटेज क्या होता है कि कुछ भी ठंडा अगर मसूड़ों के ऊपर लगता है तो उसे वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और सूजन में थोड़ा कमी महसूस होती है, और कम्फर्ट एक होता है कि जिससे मसूड़े रिलैक्स करते हैं और थोड़ा आराम मिलता है पेशेंट को। तो 2 चीज़ों की, या तो क्लीन फिंगर से मसाज करें, या तो चिल्ड रुमाल या तो टॉवेल से मसाज करें। तीसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं कि जो कमर्शियली अवेलेबल टीथर होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो, कोई भी अच्छी कंपनी के जो
अच्छी क्वालिटी के सिलिकॉन के टीथर आते हैं, वो आप फ्रीज में रख के थोड़ा ठंडा करके, याद रखिएगा कि इसको फ्रीज कोल्ड यानी कि फ्रीजर में नहीं रखने, लेकिन कोई भी नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में रख के थोड़ा ठंडा करके आप ये टीथर को बच्चों के मुंह में डालने के लिए दे सकते हो। इससे भी एक ज्यादा सूथिंग एक फीलिंग आता है और बच्चों को कंफर्टेबल लगता है। कोई भी गुड क्वालिटी के टीथर ले सकते हो, प्लास्टिक का मटेरियल ना हो तो अच्छा है, और उसमें अच्छी क्वालिटी के सिलिकॉन के जो टीथर है वो काफ़ी अच्छे से बच्चे मुंह में डाल सकते हैं और उनको काफ़ी कंफर्टेबल ये सिचुएशन के दौरान लग सकता है। उसका अगर घरेलू उपचार करना है, अगर टीथर नहीं लेना है, तो अपना कोई भी गाजर हो या खीरा हो गया, उसके लंबे स्लाइसेस करके वो वेजिटेबल की स्लाइस को आप मुंह में डालने के लिए दे सकते हो ठंडा करने के बाद, तो उससे भी थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होता है। अब होता ये है कि काफ़ी पेशेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि बच्चों को डायरिया यानी कि लूज मोशन हो रखा है, तो इसमें आसपास का सराउंडिंग है वो बहुत मैटर करता है। अगर बच्चे जहाँ पे खेल रहे या तो जहाँ पे बड़े हो रहे और आसपास का जो एनवायरमेंट है वो गंदा है, या तो कुछ भी रुमाल या तो कुछ भी टॉवल या तो आसपास की कोई भी गंदी चीज़ है, क्योंकि ये टीथिंग के टाइम पे बच्चे कुछ भी मुँह में डालते रहते हैं, तो अगर कुछ भी गंदी चीज़ अगर मुँह में जाती है तो उसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन और आंतों के इन्फेक्शन की वजह से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डायरिया या तो चिड़चिड़ापन या तो बच्चे रोने ज्यादा स्टार्ट कर देते, वैसा होता है। तो आसपास का एनवायरमेंट वो काफी साफ सुथरा रखे, कुछ भी आसपास में बच्चों की चीजें वो अच्छे से क्लीन और हाइजीनिक मेंटेन करे, ताकि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर हो। अगर किसी भी फिर भी अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या तो बच्चा ज्यादा रो रहा है या तो कॉलिक की पेन हो रहा है, तो उस चीज में आप अपने बच्चों के डॉक्टर को कंसल्ट करके कॉलिक के ड्रॉप्स दे सकते हो। अगर किसी किसी को थोड़ा बुखार ज्यादा रह रहा है तो वो भी आप डॉक्टर की सलाह लेके अपने जो पैरासिटामल के ड्रॉप्स आते हैं वो आप बच्चों को दे सकते हो फीवर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन नॉर्मली एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट मेंटेन करके और मसूड़ों पे जो मसाज की जो टेक्निक है वो फॉलो करके, या तो टीथर का यूज करके आप ये टीथिंग के जो प्रॉब्लम्स है और जो भी समस्या होती है उसका आप घरेलू समाधान अच्छे से कर पाओगे। फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और टीथिंग के रिलेटेड या तो बच्चों के हेल्थ के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर को इंक्लूड कर सकें। सो थैंक यू सो मच।